अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मुगल कंप्यूटर के अंदर हैं और आज मैं आपको 6th, 7th और 8th जनरेशन और इससे अबव जो जनरेशन है इसके अंदर मैं आपको लैपटॉप दिखाऊंगा। बेसिकली लैपटॉप मैंने भी परचेज़ करना है, तो यहाँ पे जो मुगल कंप्यूटर हैं, यहाँ पे भाई होते हैं मेरे, इनसे बहुत अच्छी दुआ सलाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो शॉप है इनकी इनके बारे में आपको बताया जाए, और इनकी लोकेशंस है ये आपको अभी बताएंगे, और इनके पास जो भी लैपटॉप से रिलेटेड या पीसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इनके पास सामान होता है वो आपको बताएंगे, ताकि अगर आप लोग हासिलपुर के अंदर रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं इनसे कॉन्टेक्ट करके रीज़नेबल प्राइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। जी, हमारी शॉप जो है उसका नाम है मुगल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। जी, हमारी शॉप बाजार में फैसल बैंक के बिल्कुल साथ है। जी, ठीक है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर इनकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, और भाई जो है थोड़ा सा शाही है बोलते हुए, लेकिन इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को आज कौन कौन से लैपटॉप दिखा रहे हैं, किस किस जनरेशन में आपके पास पड़े हुए हैं? हमारे पास शुरू हो जाते हैं 6th जनरेशन से लेकर 4th जनरेशन, 10th जनरेशन, अच्छा दोस्तों, इनके पास एक तो लैपटॉप है जो कि 6th से लेकर 8th, 9th, 10th जनरेशन तक पड़े हुए हैं, ये आप शॉप में देख सकते हैं। ये सारी इनकी शॉप देखें, ये सारा सामान पड़ा हुआ है। इनके पास एलसीडी मॉनिटर्स हैं, एलईडीज हैं, स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो इनके पास स्पीकर्स भी पड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके अंदर वराइटीज पड़ी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा इनके पास कीबोर्ड हैं, माउस हैं, और अच्छी क्वालिटी के अंदर इनके पास। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, हार्ड ड्राइव्स पड़ी हुई हैं, और हार्ड ड्राइव्स के अलावा ये देखें, ये इनके पास सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। पहले आप हमें कौन सा ये लैपटॉप दिखा रहे हैं जी, इसकी क्या ये है जी? ये है HP का 840G6। ये है i5 8th जनरेशन। इसके अंदर हमारे पास 8 GB RAM है और 256 GB SSD है। अच्छा, इसकी क्या बेस्ट प्राइस हमें आप देने वाले हैं हमारे कस्टमर्स को? ये है 85,000, इसकी बेस्ट प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है इसकी। अच्छा, ये इसके आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये हमारे पास HP का है, और इसके अंदर जो रैम है 16 GB RAM है, और इसके अंदर आप मेन स्पेसिफिकेशंस यहाँ भी लिखी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 256 SSD। और इसके अगर हम लॉगो देखें, HP का जो लेटेस्ट लॉगो है वो भी ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर है, अगर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास कौन से हैं जी? इसके अलावा मुख्तलिफ ये ऐसे बताते जाए आपको, मैं यहाँ से है, ये डेल का है, ये है जी HP 430G3। अच्छा, ये और... है i5 6th जनरेशन में है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है जी? इसकी प्राइस सर कंफर्म नहीं है। अच्छा, वो आपके बड़े भाई को पता बड़े है? भाई हैं, वो ओनर हैं हमारे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई भी है, यहाँ पे देखे ना जैसे ये लिखा हुआ है। हाँ जी, ये 4th जनरेशन के अंदर है, 4th जनरेशन में, और ये 47K का आपने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ कंसेशन भी करेंगे अगर जो मेरे व्यूवर्स मेरे चैनल के थ्रू आपके पास आते हैं उनको कंसेशन करेंगे आप? सर बिल्कुल, इसमें आप कंसेशन होगी, बिल्कुल होगी। और जो आपकी प्राइस होगी ये सर, ये बिल्कुल फ्रेश इम्पोर्ट है। जी, इसमें हमने बिल्कुल लोकल परचेज नहीं करते। सही, ये बिल्कुल टोटली फ्रेश इम्पोर्ट है, और ये बाहर दुबई से हमारे पास आते हैं। अच्छा, दुबई से आते हैं। अच्छा, मार्केट से आपकी प्राइस रीजनेबल है यहाँ पे? जी हाँ सर, बिल्कुल मार्केट से प्राइस हमारी रीजनेबल है, और पीस आपको A+ पीस मिलेगा, बिल्कुल साफ कंडीशन में, कोई खराश खुरुश कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट दिखाएं आप हमें। नेक्स्ट है हमारे पास HP 840G1 i5 4th जनरेशन में है, ठीक है। 4 GB इसकी रैम है, और 128 SSD हार्ड इसके अंदर लगी हुई है।
ठीक है, ये जो फोर्थ एचपी जनरेशन का के मॉडल अंदर, है। मतलब ये स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट आपसे परचेज करना चाहें तो उनके लिए ये अच्छे ऑप्शंस हैं, फोर्थ हाँ जी, जनरेशन, फिफ्थ अच्छी जनरेशन, ऑप्शन है सर, यहाँ से बिल्कुल। आप ले सकते हैं आपसे। अच्छा, आपके पास अगर क्योंकि आजकल जिस तरह आपको पता है कि सिक्स जनरेशन या इससे अबव जनरेशन के अंदर ज्यादातर परचेज किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि जो लेटेस्ट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हैं, तो सिक्स जनरेशन के अंदर या सेवन्थ या एट जनरेशन के अंदर जो लैपटॉप्स पड़े हैं वो आप हमें बता दें, वो कौन कौन से आपके पास पड़े हुए हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ आ जाते हैं। इसमें सर हमारे पास एचपी में भी अवेलेबल है, इसमें हमारे पास थिंकपैड में भी अवेलेबल है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये डेल में भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ कंपनीज है हमारे पास, टोशीबा में भी अवेलेबल है, डेल, तोशीबा, फजीत्सू में भी एचपी के अंदर, अवेलेबल ठीक है, है। और इसके अलावा हमारे पास ये ये देख रहे हैं, मतलब डेल क्या आई फाइव थर्ड जनरेशन में थिंकपैड में भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ अवेलेबल है इसके मतलब अंदर। आपके पास हर किस्म की, आपके पास कंपनीज के अंदर लैपटॉप पड़े हुए हैं, जी ठीक सर, है। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर चल रहा है और इनकी जो लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, ऊपर इनके जो, अगर आपने पीसी बनवाना है, पर्सनल पीसी बनवाना है, पीसी भी आप बना सकते हैं। ये पीसी ये पड़े हुए हैं जी, ये आप पीसी i3, i5, i7 ये सारे आप बना के देते हैं जी। जी सर, ये सब बना के देते हैं। इसमें फर्स्ट में आ जाता है ये कोटुडू है, जी, ये आ जाता है i5 6th जनरेशन में आ जाता है, ये डेस्कटॉप पीसी है, इसकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बैटर अच्छा चलते हैं ये, स्पीड वाइज भी बहुत बेहतरीन है। अच्छा इनके उसके पास, अलावा ये आपके पास लैपटॉप बैग्स हैं। हाँ जी, अच्छा, लैपटॉप बैग की मैं बात करूँ, मुझे क्वालिटी तो आपकी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, इनके क्या प्राइजेज हैं? ये सर आपको 1500 में मिल जाएगा 1500 लैपटॉप में बैग, ये आपका। बेहतरीन बैग है, इसके अंदर आप इस वजन डालें आपका बैग खराब नहीं होगा। अच्छा, इनके पास 200 लैपटॉप बैग्स भी हैं, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, और छोटी एलईडी से लेकर और वाईफाई डिवाइसेस से लेकर बहुत सारी चीज़ें इनके पास पड़े हुए हैं, और रिव्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं। एलईडीज की यहाँ अगर हम बात करें, या आपके पास सैमसंग की कितने इंच वाली एलईडी पड़ी हुई है? सर ये हमारे पास ये जो फर्स्ट में लगी हुई है ये है 43 इंच वाली, ठीक है, ये ठीक एंड्रॉयड है, है, इसके अंदर फेसबुक, गूगल क्रोम, आप जो भी वेबसाइट एप्लीकेशन हो वो चला सकते हैं। उसके अलावा ये है 32 इंच में आ जाती है, ये भी है सैमसंग की एंड्रॉयड। अच्छा, ये मेड इन कौन से हैं? बेसिकली मेड इन सैमसंग है, मलेशिया है, या दूसरा जो है चाइना के मॉडल है, कौन से मॉडल है ये सर बताएं। बेसिकली ये मेड इन मलेशियन होते हैं, अच्छा, क्वालिटी वाइज अच्छी चीज है सर ये। बाकी ये जो है ये नीचे वाली है, ये भी 32 इंच है सर, ठीक है, ये सिंपल में आ जाती है, ठीक है। और ये एंड्रॉयड में है हमारे अच्छा, आप पास। इनकी प्राइस बता दें, इनकी प्राइस है 29,500, नीचे वाली का इनकी 32 इंच में जो हाँ सिंपल में जी है, साढ़े ठीक है, उनतीस हजार है, ये 45,500 की है, ठीक है, और ये ये मेड इन वाली भी मलेशिया है। 29,500 की है। अच्छा, ये 29,000 की, ये 29,500 की, और ये 42,000 के अंदर हाँ जी ये मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये थी, देखें आज की हमारी वीडियो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम करते हैं ख़त्म। दोबारा बता रहा हूँ, मुगल कंप्यूटर है और इनकी जो शॉप है हासिलपुर के अंदर है, जो जितने भी जो बैंक एरिया है यहाँ पे बिल्कुल नियर पंजाब बैंक के सामने इनकी शॉप है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के अंदर इनका नंबर भी चल रहा है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट करके, अगर आपको लैपटॉप चाहिए, अगर आपने पीसी बिल्ड करना है, स्पीकर चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए, एलईडी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें इनसे मिल जाएंगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट फ्री होके दोस्तों कर इसी के सकते साथ हैं। जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।